नमस्कार, मैं नरेश कुमार यादव। आज आपको आईटीआई कोर्स के बारे में जानकारी दूंगा कि आईटीआई कोर्स क्या है और इसको करने से क्या क्या फ़ायदे हैं। पूरी जानकारी जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखें। तो मैं जो आपको कंटेंट्स इसके बारे में बताऊंगा, आईटीआई की क्या डेफिनेशन है, ड्यूरेशन क्या है, एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, फ़ीस क्या है और एम्प्लॉयमेंट की, रोज़गार की क्या क्या संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं, आईटीआई अगर आप जल्दी ही नौकरी करना चाहते हैं तो आईटीआई पास सर्टिफिकेट वालों के लिए बड़ी संख्या में सरकारी और प्राइवेट नौकरियां निकलती रहती हैं। आईटीआई कोर्स उन लोगों के लिए उत्तम है जो जल्द नौकरी चाहते हैं। आईटीआई की फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसे हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं। ये सरकारी और प्राइवेट संस्थान भी होते हैं। कोर्स की अवधि 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। आईटीआई में लगभग 150 ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं जो ट्रेड के हिसाब से अलग अलग अवधि के होते हैं। इन कोर्सेज में कुछ इंजीनियरिंग कोर्स हैं और कुछ नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के कोर्सेज होते हैं। एलिजिबिलिटी, आईटीआई के कोर्स में प्रवेश के लिए 8वीं 10वीं तथा 12वीं पास होना ज़रूरी है। कोर्स में ट्रेड के हिसाब से अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है। आईटीआई में एडमिशन के लिए फॉर्म निकलते हैं जो कि आईटीआई में ही मिलते हैं। प्रत्येक वर्ष जुलाई अगस्त में फॉर्म निकलते हैं। इन फॉर्म को भरकर आईटीआई में ही जमा कर दें। इसके बाद प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा जिसमें आप सम्मिलित हों। प्रवेश परीक्षा में मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है। कोर्स पूरा होने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट 2 प्रकार के होते हैं, NCVT, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, दूसरा SCVT, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। NCVT पूरे भारत के साथ पूरे वर्ल्ड में मान्यता प्राप्त है और SCVT का सर्टिफिकेट केवल उसी राज्य में। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में ही आईटीआई पास लोगों की काफ़ी मांग है। आर्मी, पुलिस, रेलवे, ITBP, BSF, CRPF, सभी में अच्छी खासी मांग आईटीआई पास लोगों की रहती है। अगर आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है तो आसानी से आप भर्ती में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक सेक्टर में भी अच्छे अवसर रोज़गार के मिलते हैं। वेतन, पद और व्यवसाय ट्रेड के अनुसार अलग अलग मिलता है। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से भी आप स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। आईटीआई पास को केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आसानी से स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराती हैं। बैंक से ऋण लेकर आप अपना स्वरोजगार भी स्थापित कर सकते हैं तथा अन्य लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं।